गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे बज गए हैं सुबह के 6। मौसम अब हमारे काके साथ तो निकल रहे हैं, हम थोड़ा नहा धो के जाएंगे या देखते हैं अभी पापा कैसे बताते हैं, वैसे जाएंगे। कभी जाना है, रुक के जाना है, तो काके साथ तो जा रही है। बाय कर दो। तो गाइस अभी नहा लेते हैं, चाय पानी काके साथ जाया है, अभी नहा के फिर जाएंगे मंदिर प्रसाद चढ़ाने और पित्राणी जी के कपड़े ले लिए, तो अभी नहा लेते हैं। बकरी आ गई, जा भगा इसको बकरी को। और ये देखो कैसे घूम रहा है, नहाएगा अभी ये। वहाँ पे ले रहे हैं चप्पल, बाइक वाला आया बेचने के लिए। तो गाइस मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, अभी हम जा रहे हैं जीण माता के प्रसाद चढ़ाने, तो आप वीडियो में बने रहना और जीण माता के दर्शन कराएंगे आपको, फिर हम जाएंगे पित्राणी जी के दर्शन करने। तो मैंने पहना है ये सूट आपने देखा भी होगा, और आगे मैं दिखा दूंगी आपको कि कैसा लुक लग रहा है। तो इस पे ये रेड ओढ़ना, क्योंकि माता वगैरह के जाते हैं ना तो रेड ओढ़ना ही ओढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने रेड ओढ़ना ही ओढ़ाया है। रात को इसलिए नहीं ओढ़ा था क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी, कुछ दिख भी नहीं पा रहा था, लाइट का थोड़ा कम बंदोबस्त था, तो इसलिए मैंने शूट चेंज नहीं करा। तो अभी सुबह जब चलते हैं तो अभी भोग भी लगाएंगे माता रानी के, फिर उसके बाद में हम जयपुर निकलेंगे प्रसाद चढ़ा के जीण माता के। तो पहले चलेंगे जीण माता के, तो अभी भाई से लेने गए हैं प्रसाद, और प्रसाद चढ़ाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ माता के दर पे जाऊँगी अब, तो आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगी, और मैं तो घर जा ही रही हूँ। तो आप वीडियो में बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वहाँ पे सारी लेडीज आई थी, कौन सी बिंदनी वीडियो बनाती है, कौन सी बिंदनी वीडियो बनाती है, तो काफी औरतें मेरे को देखने के लिए आई थी, तो मेरे को बड़ी शर्म आ रही थी। तो जिया वहाँ पे कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं थी, तो नहीं आपको दिखाती जरूर। यहाँ पे अपने सामने घरों में जो रहते हैं ना, बोले बिंदनी आप वीडियो बनाते हो, हाँ बोले हम आपकी वीडियो देखते हैं। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, तो जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं माता के द्वार। ये हो गया पित्राणी जी का बेस, तो अभी पित्राणी जी के जाएंगे। इसमें है हमारी जीण माता का सुहाग का सामान और ये प्रसाद। अभी हम जा रहे हैं पहले पित्राणी जी के, एक खुरंजा बना दिया इन्होंने ना, वैसा के साथ गौ माता बैठे हैं इधर, अंदर चलते हैं। तो पित्राणी जी का कलश रख रखा है ना, ऊपर ही कलश रख रखा है, ये हमारे दादी वाला दादी सा लगते हैं, हमारे दादी सा लगते हैं, हाँ हमारे दादी सा लगते हैं, तो उनका कलश रखा हुआ है यहाँ पे। फिर बंद कर लिया था थे? नहीं वापस हो गई स्टार्ट। जी आई बार मास्टर सही है। तो गाइस अब हम पित्राणी जी के हुए आए हैं, अब हम जा रहे हैं जीण माता के मंदिर में, तो भाई सब प्रसाद लेने गए हैं। तो गाइस ये पहन रखा है, तो देख ना ले, कह देंगे बीन नहीं क्या कर रही है रोड के ऊपर। तो डाके को नहीं आया उनको इस यहाँ पे कराया था जागरना, यहाँ पे नाच रहे थे वो रात को, अब तो सब गए, तो अभी हम आ गए हैं हमारी माता रानी की। पीयू तो प्रसाद लेके जा रहा है भगा भगा है। जय हो मेरी दीन माता। पीयू जजे तो करो टॉफी खाते खाते। तो गाइस अभी भाई सा गए जागता लेने के लिए, मैं इतने माता का श्रृंगार कर देती हूँ और चुंदड़ी उड़ा देती हूँ उनको,
ये साबत ही रख दो कर दो थोड़ा थोड़ा लगा ले ये चलो ये लगा ले ये देख तो समा ताजी का बेटा से चले अगर हम लोग लगे तुम देख एक भी अब किस के पे बैठ गए थे आग जल्दी ले के जरा और तू बताई भी नहीं बताऊंगी हूँ मैं और तू जाके ये क्या डाल रहे हो मामा इतर क्या परफ्यूम और रूमी और मेरा वो जलाई ये देखो माता आ गई देख लो खूब भर बिना घी का चलो जी ये मेरी माता रानी सबकी रक्षा करना अरे वो बोल रहे हैं सुबह से आपको अरे वो भाई भाई बोल रहे हैं आपको ही बोल रहे हैं आ रहे हैं गाइस घर अब खाना खाएंगे फिर पापा कब की बोलते हैं जाने के लिए फिर चलते हैं मैंने ओढ़ना चेंज कर लिया है और काकी साहब ले आए हैं खाना और बच्चों को खाना खिलाती हूँ और मैं भी खाना खाती हूँ जिया और खाना आ गया है हमारा देखो कितनी खीर डाली है आधी करके आओ हमें छोटी छोटी कटोरी में जा रहे हैं हम जयपुर विदा होते हैं नहीं नहीं ना अब तक अरे थोड़ा ही अब तक कौन नीम का थानो जलो भी देखा मैं नीम का थानो जलो सो आराम से
खड़ा हो जा। तो गाइस अब आ गए हम घर। रास्ते में नींद भी आ गई थी, सो भी गए थे क्योंकि रात को सोए नहीं थे, तो ऐसा फेस हो गया सोया सोया सा। तो अब बनाते हैं चाय, फिर उसके बाद में थोड़े कपड़े उपड़े चेंज करके फेस उस धो के थोड़ा आराम करेंगे, आराम करके फिर खाना बनाएंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया हो, तो लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कोई आपको अगले ब्लॉग में, जब तक टाटा बाय बाय सी यू। इसका बर्थडे है, इसके बर्थडे की शॉपिंग करेंगे कल, है ना? तो कल करेंगे हम जिया की बर्थडे की शॉपिंग, परसों है उसका बर्थडे, 18 अक्टूबर का बर्थडे है जिया का। ओके, तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।